आज जिस तरीके से भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल गई है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको इस वीडियो में सबूत के साथ देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। वीटो देखने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई है कि आने वाले समय में भारत ही विश्व गुरु बनने वाला है। इन्हीं सब चीजों की वजह से चाइना और पाकिस्तान समेत कई देशों में कोहराम मचा हुआ है। कुछ ऐसे देश निकलकर सामने आए हैं जो पहले तो भारत का दोस्त कहा करते थे, लेकिन जैसे ही यूनाइटेड नेशन में भारत के लिए बिल पास होने लगा, वैसे ही वह विरोध में खड़े हो गए। यही नहीं, भारत को आज अपने पुराने दोस्तों के ऊपर भी जो बहुत गुमान था, वह गुमान टूट चुका है, क्योंकि भारत के सामने अपने कुछ छुपे हुए दुश्मन निकलकर सामने आए हैं जो पहले तो भारत की बहुत बड़ाई करते थे, हर मामले में भारत के लिए चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते थे, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट देने की बात आई तो वह पूरी तरीके से अपने आप को पीछे कर लिए। न सिर्फ पीछे किया बल्कि भारत के विरोध में वोट भी डाला। लेकिन अब भारत उन वोटों के विरोध के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सीट ले चुका है, और इसके बाद अब भारत पूरे विश्व में आने वाले कई दशकों तक अपना परचम लहराता रहेगा। जहां एक तरफ चीन और पाकिस्तान दुनिया के इस फैसले से खुश नहीं है, तो वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जो इस फैसले की वजह से, भारत को यूनाइटेड नेशन में सीट मिलने की वजह से, अपने यहां पर 2 दिन का नेशनल छुट्टी घोषित कर दिया है। ये बात दिखाता है कि भारत के कितने दोस्त हैं और कितने दुश्मन हैं। इन सभी चीजों के बाद आज भारत ने जो कर दिखाया है वह आने वाले कई पीढ़ी भूलेगी नहीं, क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट के लिए पिछले 75 सालों से प्रयासरत था, और उन 75 सालों का प्रयास आज रंग ला दिया है। दुनिया के कई देश भारत के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में सीट तो चाहते थे, लेकिन वह वोट नहीं देते थे। आज उनका भी खुलासा इस वीडियो में होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए। आज मैं आपको भारत को भारत के कुछ छुपे दोस्त तो वहीं कुछ छुपे दुश्मनों से रूबरू कराने वाला हूं। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि भारत को यह सीट मिलने के बाद पाकिस्तान और चीन की क्यों जलने लगी है, और अमेरिका रशिया दोनों एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद भी भारत को लेकर के क्यों यह अपनी दुश्मनी को भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यूनाइटेड नेशन और भारत से रिलेटेड एक एक जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ यदि आप भारत के इस फैसले से, भारत को मिले इस बड़ी इज्जत से खुश है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख करके भारत के उपलक्ष में इस वीडियो को अपना एक लाइक दें। आपके लाइक करने से तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया को यह पता चलेगा कि भारत की जनता आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट को लेकर के कितनी उत्साहित है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोदी का अमेरिका द्वारा इस बिल पास को पुख्ता मंजूरी दे दिया है। क्वाड संगठन के साथ साथ भारत को वीटो पावर मिलने की पूर्ण हो रही है। शुरुआत से दरअसल बता दें कि भारत ने जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपना दावा ठोका तो दुनिया के तमाम देशों ने भारत का खुला समर्थन कर डाला। अब इस समर्थन के बाद भारत को लगा कि 200 में से लगभग 190 या 95 देश तो हमारा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब इसको लेकर के अमेरिका और रशिया दोनों एक साथ आ गए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए बिल जब सामने रखा गया, तब बहुत सारे देशों की जलने लगी। उनको लगा नहीं था कि मेरे समर्थन करने से अमेरिका और रशिया भी एक साथ आ जाएंगे, लेकिन जब अमेरिका और रशिया एक साथ आए तब उनको लगा कि हम भारत का समर्थन करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह देश अपना समर्थन वापस ले लिए और भारत के विपक्ष में वोट डाले। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत के पक्ष में वोट पड़ने की संख्या 150 पहुंच चुकी थी और अब 200 से ज्यादा देशों ने मिलकर के जो रिजोल पास किया था उसमें 185 देशों ने भारत के समर्थन में वोट दिया। तो आखिर कौन से वह 5 ऐसे देश हैं जो भारत का समर्थन इस मामले में नहीं करना चाहते हैं, बताएंगे हम इस वीडियो में। साथ ही साथ बता दें कि इसके बाद जैसे ही यह बिल पास होता है और भारत को वीटो पावर यूज करने की इजाजत मिलती है, वैसे ही कुछ ऐसे भी देश निकलकर सामने आते हैं जो अपने यहां पर 2 दिन का नेशनल हॉलिडे घोषित कर देते हैं।
उनका मानना ये है कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और भारत को बीटो तो मिलना ही चाहिए, और जैसे ही भारत को बीटो मिला तो अपने पूरे देश में इसकी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि वह देश यह जानते हैं कि भारत को बीट मिलने का सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होने वाला है, इसलिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि जिन 5 देशों ने भारत के खिलाफ वोटिंग किया था उनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है चीन, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, चीन और पाकिस्तान तो पहले और दूसरे नंबर पर आएंगे ही, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत को यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिले, क्योंकि हमेशा चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों को बीटो करके पूरी दुनिया में बचाता रहा है। ऐसे में अब उसे कौन बचाएगा? यही नहीं, कुछ और भी ऐसे देश हैं जो अफ्रीका के हैं जिन्होंने भारत का समर्थन नहीं किया, जैसे कि फॉक्स को, एक को और साथ ही साथ छाड़, इन सभी देशों ने भारत का समर्थन नहीं किया। लेकिन भारत का समर्थन करने वालों देशों में सबसे नंबर 1 पर इजराइल आया, रशिया आया, अमेरिका आया, यहां तक कि तुर्की भी भारत का समर्थन कर दिया। जो कभी भारत का विरोध करता था उसने वोटिंग के दौरान भारत का समर्थन किया। ऐसे में भारत को पता चला कि तुर्की, जो हमेशा से पीओके वाले मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, उसे यह पता है कि कहां भारत का समर्थन करना है और कहां पर अधिक करना है। तो ऐसे में तुर्की हमारा एक नया दोस्त उभर कर सामने आया है। यही नहीं, सऊदी अरेबिया समेत ईरान भी भारत का खुला समर्थन किया, और सऊदी अरेबिया और ईरान को भी यह चाहिए कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल के सीट मिले। ताइवान समेत, फिलीपींस और साउथ कोरिया समेत जापान देश भी इसका खुला समर्थन किए। यहां तक कि कनाडा, जो खालिस्तानी मुद्दे पर भारत का विरोध करता है, उसने भी यहां पर सपोर्ट किया है। इन सभी चीजों को देखने के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि भारत की साख को यह सभी देश ना सिर्फ मानते हैं बल्कि इसके सामने नतमस्तक होते हैं। भारत को जैसे ही यह सीट मिलती है तुरंत भारत ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के 4 ऐसे बड़े आतंकवादी हैं जिनको किसी भी की कीमत पर पूरी दुनिया का आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए, और भारत के इस प्रस्ताव को चाइना ने फिलहाल रोका नहीं है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वह इस प्रस्ताव को रोकता है तो न सिर्फ उसे अमेरिका और रशिया का मुंह का खाना पड़ेगा बल्कि उसे तमाम देशों का विरोध भी सहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय भारत के समर्थन में 185 देश उठ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, वो समय बहुत दूर नहीं है जब पीओके पूरा भारत का हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी, और आने वाले महज 24 से 48 घंटे में पाकिस्तान के 4 से 5 आतंकवादी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो जाएंगे। ऐसे में भारत ने सबसे पहला वीटू का प्रयोग पाकिस्तान के खिलाफ ही किया है, क्योंकि पाकिस्तान का अक्ल ठिकाने लगाना जरूरी है, इसलिए भारत अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी यानी कि चीन और पाकिस्तान को ही मानता है। अब इनकी ठिकाने लगने की बारी आ गई है। अब देखना यह है कि चाइना इन सभी चीजों को देख करके अपना रिएक्शन क्या देता है, और यह भी देखना है कि जो रशिया है, जिसने भारत को बहुत दिनों तक समर्थन किया है, वह इस वीट को लेकर के अब अपने यहां पर क्या बोलता है। आने वाले समय में भारत को लेकर के बहुत सारी खबरें आने वाली हैं, तो उन सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।